हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 11 का जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, टाइम टेबल में थोड़े चेंजेस कर दिए हैं। वो क्या चेंजेस है वो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसा एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो देखिए, आप लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे तो आप लोग पहले तो एक अनाउंसमेंट ऊपर की तरफ से जा रहा है, उसके तरफ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप लोग का जो फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाला था वो आपका 30 अगस्त से पहले डिस्प्ले हो जाएगा। वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, 30 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये रहा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। लेकिन आज क्या कुछ पॉइंट्स आए हैं ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। 27 अगस्त के लिए पब्लिश है, आज के दिन ही ये पॉइंट्स आए हैं। देखते क्या है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पार्ट वन फिलिंग विल बी स्टॉप 10 अगस्त 2020। मतलब अगर आप लोग ने फॉर्म नंबर 2 नहीं भरा रहेगा, दैट इज पार्ट 1 नहीं भरा रहेगा, पार्ट 2 नहीं भरा रहेगा, तो आप लोग को पता है कि ये फॉर्म फिलिंग स्टॉप हो गया है। और ये स्टॉप ही रहेगा कब तक, 30 अगस्त तक। मतलब राउंड नंबर 1 का जब तक लिस्ट नहीं निकलता तब तक ये स्टॉप ही रहेगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 का फॉर्म या पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भरा है उनको 30 अगस्त तक भरने का चांस नहीं है। लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में बताया है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ रेगुलर राउंड 2, रेगुलर राउंड 2 के स्टार्टिंग में आफ्टर सितंबर 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कैन बी अपडेटेड एंड फिल्ड। जिन लोग ने पार्ट 1 भरा नहीं है, पार्ट 2 भरा नहीं है, या जिनको पार्ट 2 में कुछ अपने कॉलेज सीक्वेंस में चेंजेस करने के हैं, तो 3 अगस्त के बाद, मतलब 4 सितंबर से आप लोग ये चीजें कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन आफ्टर 3 सितंबर। इससे पहले आप लोग अभी ये नहीं कर सकते। पार्ट 1 अगर आपका बाकी है, पार्ट 2 अभी बाकी है, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आफ्टर फर्स्ट राउंड 3 सितंबर के बाद ये ओपन हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माइनॉरिटी एंड मैनेजमेंट कोटा एडमिशन कैन बी डन ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड। इनके एडमिशन तो कंटिन्यूली चलते रहेंगे रेगुलर राउंड में। रीड द टाइम टेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ फर्दर डिटेल्स। यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे और भी थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे। आप लोग देखिए, जैसे कि हम लोग ने इससे पहले भी टाइम टेबल वगैरह सब डिस्कस कर दिया था कि क्या है टाइम टेबल और किस तरह से है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को आज दो बातें क्लियर हो गई है। पहली बात तो आपका जो फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट है जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं वो 30 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा, ये ऊपर की तरफ अनाउंसमेंट जा रहा है, वहां पे क्लियर हो रहा है। एंड दूसरा, जिन लोग का पार्ट 1 या पार्ट 2 का फॉर्म फिलिंग बाकी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और एक चांस मिल रहा है। 3 सितंबर के बाद आप लोग का पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म भरने का चांस है, आप लोग भर सकते हो। या जिन बच्चों को पार्ट राउंड नंबर 1 में कुछ अच्छे कॉलेजेस अलोकेट नहीं हुए और कॉलेज सीक्वेंस चेंज करने का है, तो वो भी बच्चे अपना पार्ट 2 में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ आज के लिए एजुकेशनल अपडेट था। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप कि मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू दोस्तों।